नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द पब्लिक मैटर में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। मध्य प्रदेश के खंडवा जिला में ओमकारेश्वर के दर्शन करने के एक एसडीएम से बोला दलाल, आइए साहब 10 मिनट में करा दूंगा दर्शन, 1500 लगेंगे चार्ज। एसडीएम ने दलाल पुजारी के खिलाफ किया केस दर्ज। आपको बता दें मंदिरों में भी चल रहा दलाली का खेल। बचाओ बेटी पढ़ाओ के संदेश में लैंगिक असमानता को खत्म करने के संकल्प के साथ 26 जुलाई को हरिद्वार के हर की पैड़ी से 25 किलोमीटर की पैदल कांवड़ यात्रा निकलेगी। ये जानकारी महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने दी, बताया खुद इस यात्रा में होंगी शामिल। चंपावत क्षेत्र अंतर्गत दिल्ली से तस्करी कर लाई जा रही अवैध शराब का जखीरा बरामद, 642 बोतल अंग्रेजी शराब के साथ दो अभियुक्त गिरफ्तार, एक वाहन सीज। सोवन सिंह जीना विश्वविद्यालय की अंतर महाविद्यालयी महिला फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि विश्वविद्यालय के कुलपति एनएस भंडारी द्वारा टॉस किया गया। पहला मुकाबला बागेश्वर और पिथौरागढ़ के मध्य खेला गया। ऋषिकेश ज्वारी रोडवेज बस चीला चौकी के क्षेत्र से भीमगोड़ा बैराज चतराहे पर हादसे का शिकार हुई। बताया जा रहा बस अनियंत्रित होकर पलटी, हादसे सामने आ रही कार को बचाने के चक्कर में हुआ, 24 यात्री बुरी तरह जख्मी हुए। लोहाघाट पतंजलि योग पीठ के प्रांतीय प्रभारी प्रताप सिंह बसेड़ा ने कहा, बदलती हुई सामाजिक परिस्थितियों में जहां शिक्षा का काफी प्रचार होने के बावजूद संस्कार विहीन बच्चे हैं, आजकल बच्चों को सबसे ज्यादा संस्कार की जरूरत है। बारही मंदिर परिसर देवी दुरा में लगने वाले अषाढ़ी मेले बगवाल मेले के आयोजन की तैयारियों के संबंध में हुई समीक्षा बैठक, अपर जिलाधिकारी ने कहा सभी विभाग अपनी तैयारियां करें पूर्ण। मेला क्षेत्र अंतर्गत 3 सेक्टर बनाए गए, मेला क्षेत्र में पुलिस बल और अन्य फोर्स की तैनाती हेतु कार्रवाई की जा रही। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए द पब्लिक मैटर। नमस्कार। देखिए आपका अपना लोकप्रिय चैनल द पब्लिक मैटर, सच वही जो हमने कहा।